Well, let us move on to the last question of NCERT exercise 7.1. The question is, in right triangle ABC, right angled at C, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM, point D is joined to point B. Question mein figure given hai aapko. We have to show that चार सेक्शन है, एक एक करके चारों सेक्शन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट सेक्शन इज वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल बीएमडी. किन दो ट्रायंगल की बात हो रही है ध्यान से देखिए, ट्रायंगल एएमसी दिस ट्रायंगल और ट्रायंगल बीएमडी दिस वन, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूफ करना है. बहुत ईजी है, आप देखिए पहली बात तो ये दोनों एंगल आपको सेम दिख रहा होगा बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक, डीएम is equal to CM, ये question में ही given है. यहां देखिए DM is equal to CM और ये जो M था इस hypotenuse AB का midpoint था, question में given है. आपको देखिए M is the midpoint of hypotenuse AB, तो अगर M midpoint है इसका मतलब AM is equal to BM. ठीक, अब आप दोनों triangle में देखिए, एक angle और दो sides, दोनों समझ रहे हैं, एंगल और दो साइड्स, ये इक्वल है दोनों ट्रायंगल में. इसका मतलब आप साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं. जितना मैंने बोला उसको लिखने का काम करना आपको. फर्स्ट सेक्शन में क्या बोलेंगे आप, इन ट्रायंगल एएमसी एंड, अच्छे से लिख देता हूं उसको, इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी वी हैव एएम is equal to BM. AM is equal to BM, reason being since M is the midpoint of AB, hypotenuse AB का वो midpoint था. ठीक है, now DM is equal to CM. DM is equal to CM तो question में given है आपको, it is given in the question itself, angle DMB, this angle, angle DMB is equal to angle CM ए सी एम, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. रीजन लिख लीजिए, सिंस दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको, साइड और एंगल, दोनों ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल सिमिलर है, इक्वल है. इसका मतलब बाय साइड एंगल साइड, देयरफॉर करके लिख सकते हैं आप, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड congruence rule we have triangle AMC is congruent with triangle BMD, hence proved. ये first part तो हमने show कर दिया है. second part में क्या show करना है देखते हैं. मैं इस part को मिटा देता हूं, मैं जानबूझ के, figure थोड़ा clear हो जाए आगे solve करने के लिए. second part में आपको show करना है angle DBC this angle, ये आपको शो करना है कि एक राइट एंगल 90 डिग्री, ये आपको शो करना है. ठीक, उसके लिए आप एक चीज ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इनका मतलब, इसका मतलब इनके सारे एंगल और सारे साइड्स भी इक्वल है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल, ये भी आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, अब आप अगर अच्छे से देखें तो जो लाइन AC और BD है, AC और BD के लिए जो AB है वो एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, और इस ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल है. इसका मतलब AC एंड BD आर पैरेलल. ठीक, ध्यान से समझिएगा, AC एंड BD आर पैरेलल, ये मैंने प्रूफ करके बताया आपको. इस चीज को मैं लिखता हूं, ठीक है, सेकंड सेक्शन में आप लिखेंगे एंगल CAB, दिस वन CAB, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ABD, ए बी डी, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि बाय सीपीसीटी आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला ना, उस वजह से. ठीक है, नाउ दीज एंगल्स आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल ए बी, तो उस चीज को मैं लिखता हूं, मैं लिखूंगा दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर angles for lines
AC and BD, where AB acts as a transversal. ठीक है, तो उसकी वजह से AC और BD जो होंगे वो parallel हो जाएंगे, which implies AC is parallel to BD. ठीक, अब आप देखिए, अगर AC और BD parallel हुए, इसका मतलब this angle plus this angle, इन दोनों angle का सम कितना होगा? 90 degree, है ना? Sorry, 180 degree. उस चीज को अच्छे से लिख लीजिए, silly mistake मत करिएगा. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, which implies angle ACB, ACB plus angle DBC, this angle plus this angle is equal to 180 degree. ये आपको मालूम है. ठीक, तो now angle ACB तो given है आपको 90 degree. Question में given था कि triangle ACB जो है right triangle है, वो question में given था आपको. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ angle DBC is equal to 180 degree minus angle ACB. Angle ACB is equal to 180 degree minus 90 degree. Now 180 minus 90 is 90 degree. तो आपको finally ये पता चल गया, ये actually DBC है. तो आपको पता चल गया angle DBC is 90 degree. 90 degree मतलब ये right angle है. ये आपने proof कर लिया, angle DBC is 90 degree. Second part भी हो गया. Third part पे आते हैं. देखिएगा, थर्ड पार्ट में हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल एबीसी. तो जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं. देखिएगा, इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, अगर आप दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखें, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखें तो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी. ये हमने अभी प्रूफ किया ना, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, दोनों 90 डिग्री है. ठीक है, आप देख सकते हैं इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक, नाउ बी सी इज इक्वल टू सी बी, बी सी इज इक्वल टू सी बी एक्चुअली कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल का. आप ट्रायंगल डी बी सी और ए सी बी की बात करें अगर, तो ये कॉमन साइड है. आप लिख सकते हैं यहां पे कॉमन साइड. एक चीज और देखिए, DB एंड DB इज इक्वल टू AC. DB और AC इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ट्रायंगल DMB और AMC ये कॉन्ग्रुएंट थे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, उस वजह से DB और AC इक्वल होंगे. तो उसका रीजन लिख सकते हैं आप, सिंस ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल BMD, ये उसका रीजन है. तो अब आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल डीबीसी और ट्रायंगल एसीबी में एक एंगल इक्वल किया हमने और दो साइड्स. तो एक्चुअली आप साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो. तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पे, मैं इसको लिखता हूं, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल वी हैव ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए सी बी. तो हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया क्वेश्चन का. फोर्थ और लास्ट सेक्शन बस बच रहा है, उसको मैं यहीं पे जल्दी से करने की कोशिश करता हूं. फोर्थ सेक्शन में हमको क्या प्रूफ करना है कि सी एम इज हाफ ऑफ ए बी. आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो सी एम है वो इस ए बी का हाफ है. ठीक है, अब आप देखिए, आपने अभी प्रूफ किया ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल एसीबी. ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल एसीबी, इसका मतलब इनके सारे साइड्स भी इक्वल होंगे. तो मैं इसको लिख सकता हूं एबी इज इक्वल टू सीडी. ये एबी इस सीडी से इक्वल होगा. रीजन लिख लीजिए, सिंस ट्रायंगल DBC is congruent with triangle ACB, जो आपने थर्ड सेक्शन में प्रूफ किया है. नाउ AB is equal to CD में अब आप एक काम करिए, हम CD को लिख सकते हैं CM plus DM. इसको लिख लीजिए CM plus DM. नाउ AB is equal to CM plus, आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे ना, CM और DM equal given है आपको. आप CM is equal to DM, ये क्वेश्चन में given है, देख सकते हैं आप. ठीक है, तो अगर CM और DM इक्वल है तो मैं DM के प्लेस पे भी CM लिख सकता हूं, सिंस DM इज इक्वल टू CM गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. नाउ AB कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ CM, विच गिव्स अस CM एज वन हाफ ऑफ AB. तो आपने फोर्थ सेक्शन में प्रूफ कर लिया. ठीक है,
So this completes our solution as well as the entire exercise 7.1. I hope समझ में आ गया होगा आपको. अगर problem हुई है तो दोबारा video देख लीजिए या theory को आप brush up कर लीजिए. Let us move on to the next exercise.